हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। जैसे मैंने बताया था, मेरे मुंह में थोड़ा छाल है इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो होप आप सब समझ जाओगे जो मैं बोल रही हूँ। सो ये जो क्वेश्चन है, ये OTT का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उससे क्वेश्चन है। सो जो भी स्टूडेंट्स OTT एग्जाम अभी उड़ीसा में आने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, तो इन सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो पिछले क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सो आज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ थॉर्नडाइक इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या था? मोटिवेशन, एक्सरसाइज, यूज और डिसयूज, बताइए। यस, जो 3 लॉ के बारे में उन्होंने बताया था, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। सो इफेक्ट में आता है यूज एंड डिसयूज, तो बचा कौन? मोटिवेशन। सो आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्रिएटर ऑफ अपेरेंट कंडीशन? ये बहुत ईजी है, आप सबको आता होगा। रूसो, नील, स्किनर एंड वरन। यस, ये स्किनर है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर प्रिपेयरिंग कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर आधा सेंटेंस दिया होगा, आपको पूरा करना है उस सेंटेंस को, तो क्या रूल नहीं है? तो ब्लैंक शुड नॉट बी केप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और स्टेटमेंट। येस, ये रूल है, क्योंकि ब्लैंक जो था वो पहले नहीं होना चाहिए, वो सेंटेंस के बीच में होना चाहिए। देयर कैन बी मल्टीपल ब्लैंक इन ए सिंगल क्वेश्चन, क्या ये होता है? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए। सेंटेंस हैविंग एम्बिग्युटी इन मीनिंग शुड नॉट बी यूज। येस, जो सेंटेंस में एम्बिग्युटी होना चाहिए होती है उसको हम यूज नहीं करते। देन द लेंथ ब्लैंक इज द क्वेश्चन शुड बी नियरली, तो आंसर क्या होगा? यस, बी। देयर कैन बी मल्टीपल ब्लैंक इन ए सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन में कभी मल्टीपल ब्लैंक नहीं होते, हम एक ही ब्लैंक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हु गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रियलाइजेशन एज ए मीडियम ऑफ फर्दर रिसर्च ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो किसने बताया था सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में? यस, आंसर इज रोजर। ओके, कार्ल रोजर ने इसके बारे में बताया था, जो सेल्फ रिलेशन में कार्ल रोजर जो है वो ह्यूमनिस्टिक है, तो उन्होंने सेल्फ रिलेशन के बारे में बताया था। ओके, सो आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो रुक रुक के वीडियो बना रही हूँ, एक एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, फिर रुक रही हूँ, फिर बना रही हूँ। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिए एंड कंसेप्ट अच्छे से समझा के देखिए क्वेश्चन में, बुक में सर्च कीजिए, पढ़िए अच्छे से। Which is not an element of influencing the personality of a child? ये कौन सा एलिमेंट है जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी पर इन्फ्लुएंस नहीं करते? अच्छा, हम आंसर ऐसे देते हैं, जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन होता है, जो मतलब लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर नॉट दिया है, तो हम उसी में से चुनेंगे, ऑप्शन में से हमको चुनना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जिसे दिया है चुनने के लिए, तो आपको जो लिस्ट है सबसे उसको चुनना पड़ेगा। हेरिडिटरी एनवायरनमेंट, यस, ये तो मेन फैक्टर है। देन हेल्थ एंड स्कूल, इनमें से क्या है? तो नॉट लिखा है, तो एक ही तो हमको चूज करना पड़े, सारा तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल डेवलपमेंट है, लेकिन अगर लिस्ट देखा जाए ऑप्शन में से, सो ऑप्शन इज डी, स्कूल, क्योंकि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्कूल, क्योंकि हेल्थ अगर सही नहीं होगी तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ओके, सो यहाँ पर मैं जो आंसर दे रही हूँ वो जो आंसर शीट यानी कि ऑफिशियल आंसर की है उसी के आकड़ी में दे रही हूँ। आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन नहीं है? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो खुद की नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे थ्रू द प्रीवियस नॉलेज। ओके, क्रिएटिंग स्कोप फॉर सेल्फ एनालिसिस, येस, ये डेफिनेटली होता है। इंस्पायर चाइल्ड टू फ्रेम क्वेश्चन, येस, क्योंकि वो खुद करना चाहता है। या फिर लर्निंग टू बी कंट्रोल बाय द टीचर, क्या ये होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या टीचर सेंट्रिक होती है? नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट में हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम्स, ये तो डेफिनेटली होता है। तो आंसर क्या पूछा है? नॉट पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, यानी कि लर्निंग टू बी कंट्रोल बाय द टीचर, ये कभी कंस्ट्रक्टिविस्ट के नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी एस्टैब्लिश इन 1958-59 प्रिटेंडिंग द वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन के लिए कौन से बना था? कोठारी कमीशन, मुरलीधर, दुर्गा भाई देशमुख और राधाकृष्णन कमीशन। यस, दुर्गा भाई देशमुख जो कमिटी है वो वुमेन एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहे थे, ये वुमेन एजुकेशन के लिए बना था। ओके, तो दिस इज दुर्गा भाई देशमुख कमिटी फॉर वुमेन एजुकेशन।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोविजन अंडर द पर्सनल डिजेबिलिटी एक्ट 1995। ओके, तो 1995 जो पर्सनल PWD एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है आंसर। फ्री एजुकेशन टिल 14 ईयर, क्या ये PWD ने बताया था? नहीं, क्योंकि ये तो हमारा जो राइट टू एजुकेशन है उसमें बताया गया था। प्रोविजन ऑफ ओनली वन लैंग्वेज इन द करिकुलम फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, क्या ये है? और प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रेगुलर अटेंडेंस, क्या ये है? और नॉन ऑफ दिस क्या होगा आंसर? यस, जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पे BEC दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो आंसर दो ही होंगे। BEC में से आप जो भी क्लिक करोगे, अगर ये क्वेश्चन रिपीट आता है इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा आप क्लिक करोगे चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ एक्ट 2009 एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द चाइल्ड। तो फिजिकल जो पनिशमेंट अभी बंद हो गया स्कूल में, तो कौन सी है? तो ये यहाँ पे ना उन्होंने आर्टिकल लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए सेक्शन 17, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए सेक्शन 17। ओके, उन्होंने गलती से आर्टिकल 17 लिख दिया। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच सिस्टम रेगुलर टीचर्स एंड रिसोर्स टीचर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ डिफरेंट एबल स्टूडेंट्स, तो बताइए क्या होगा? इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, स्पेशल और जनरल। यस, आंसर दिया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम की। ओके, सो ये था आज का 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स OTT के एग्जाम देने वाले उनके साथ शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट क्लास में और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगी, तो तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को मैं शेयर कीजिए।